भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अंथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देते हुए आज इस गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1,180 करोड़ रुपए की लागत से बने आईआईटी जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने आईआईएम के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहां तीनों एम्स, आईआईटी और आईआईएम एक साथ मौजूद हैं। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, सुंबड़, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया गया है। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, पर्यटन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः श्रीनगर बारामूला उड़ी सड़क परियोजना, 4-लेन फ्लाईओवर एवं रिंग रोड श्रीनगर शामिल हैं। सड़कें, हाईवे, सुरंगें, पुल एवं फ्लाईओवर के व्यापक स्तर पर निर्माण से जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से 82 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है, जिनमें मुख्यतः प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत लगभग 780 करोड़ रुपए, विद्युत क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए और 75 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें लगभग 890 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत के कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज के लिए 3100 फ्लैट्स और 280 करोड़ रुपए की 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परियोजनाएं हैं। चहुमुखी और सर्वस्पर्शी विकास की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये नया विस्तृत टर्मिनल जम्मू कश्मीर में हवाई यातायात में बढ़ोतरी को संभालने में सक्षम होगा, जिससे पर्यटन, आर्थिक विकास एवं यात्रीगण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उचित स्थान मिलेगा।
इसके साथ ही लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कॉमन यूजर पेट्रोलियम टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया है। ये संपूर्ण प्रदेश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण गोदाम के रूप में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के विकास की ये यात्रा निरंतर जारी है।